राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषी समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मंगल शुक्र की युति की, मार्स एंड वीनस कंजक्शन इन योर हॉरोस्कोप। क्या होता है जब मंगल और शुक्र आपकी कुंडली में एक ही भाव में मौजूद होते हैं? शुक्र को दोस्तों अगर हम समझें तो शुक्र कारक है उन चीज़ों का जिनसे हमें खुशी मिलती है, सभी तरह की खुशियाँ, आराम, लग्जरी, प्लेजर, इनका कारक है शुक्र। शुक्र यानी वीनस इज सेंस ऑफ प्लेजर फ्रॉम एनीथिंग। शुक्र दोस्तों सेक्सुअल प्लेजर यानी कि आपकी काम वासना, रिलेशनशिप्स, शादी, शादीशुदा जीवन, मैरिड लाइफ, सभी में शुक्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिए शुक्र स्त्री वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। जो भी स्त्री आपके जीवन में है किसी भी रूप में, वो वीनस है आपके लिए, शुक्र है। इसके अलावा शुक्र आर्ट, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सिनेमा, मीडिया, स्टाइल, फैशन, इन सब को भी रिप्रेजेंट करता है जिनसे दूसरे लोग खुश होते हैं। मंगल को दोस्तों अगर हम समझे तो मंगल एक सैनिक है जिसके हाथ में हथियार है, इसलिए मंगल साहस का, पराक्रम का, आक्रामकता का, जुझारूपन, आपकी फाइटिंग एबिलिटी का, क्रूरता का, हिंसा, झगड़ा, इन सब का कारक है मंगल। मंगल दोस्तों आपकी इच्छा शक्ति है। मंगल की वजह से आप अपने निर्णयों पर दृढ़ रहते हैं। मंगल की स्थिति ये बताती है कि आप अपने डिसीजंस पर कितना दृढ़ रिजिड रहेंगे। मंगल को रिस्क लेना पसंद है और मंगल एक गर्म अग्नि तत्व का ग्रह है, रिस्क टेकर है मंगल। सैनिक, पुलिसमैन, एथलीट, इंजीनियरिंग, लॉयर्स यानी वकील, सब जो आक्रामक क्षेत्र हैं उनका मंगल कारक होता है। अब क्या होगा जब मंगल और शुक्र आपकी कुंडली में एक ही भाव में हो, यानी कि इनकी युति हो, तो आपके व्यक्तित्व में उत्साह रहेगा, उत्साही व्यक्तित्व रहेगा, पैशनेट पर्सनैलिटी रहेगी। मंगल की जो ऊर्जा है, आक्रामकता है, शक्ति है मंगल की, वो शुक्र के गुण हैं जो, यानी कि काम वासना, लग्जरी पसंद करना, प्रदर्शन, दिखावा करना, इन सब में वृद्धि करेगी। जीवन में उत्साह की भूमिका बढ़ जाती है, आनंद की भूमिका बढ़ जाएगी। कंजक्शन और युति जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसका फल कम से कम 12 डिग्री तक ही मिलेगा, यानी कि डिग्री में मंगल और शुक्र जब 12 डिग्री तक हो। और बहुत अच्छा फल तो तभी रहता है मंगल और शुक्र की युति का, स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं फल, जब ये 6 से 8 डिग्री के बीच में हो। कहने का मतलब है कि मंगल और शुक्र जितना पास होंगे उतना इस युति का फल आपके जीवन में ज़्यादा प्रभावी रहेगा। मंगल और शुक्र की युति से सबसे पहला संकेत मिलता है लव मैरिज का, यानी कि अपनी पसंद से शादी करना। मंगल दोस्तों पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ऐसा व्यक्तित्व आपको देगा जिसमें स्ट्रोंग, बोल्ड स्टेप यानी कि साहसी कदम उठाने की अक्षमता होगी। साहसी कदम वो व्यक्ति उठा सकता है। जो एटीट्यूड है उस व्यक्ति का, उसमें बोल्डनेस रहेगी। अपने प्यार, रिलेशनशिप को वो सबके सामने रख सकता है। ऐसी टेंडेंसी, इस तरह के संकेत मंगल शुक्र की युति देती है। दूसरी स्थिति संभव है कि मंगल और शुक्र की युति वाला व्यक्ति रिश्तों में दूसरे व्यक्ति पर हावी रहेगा। समाज के नियम कानूनों की भी ऐसी युति वाला व्यक्ति परवाह नहीं करता है बहुत ज़्यादा। रिश्तों में एक दूसरे व्यक्ति पर हावी रहेगा, एग्रेसिवनेस बढ़ेगी, डोमिनेट करेगा, वो ही निश्चित करेगा कि दिन कैसा गुजरेगा। मंगल शुक्र की युति वाला व्यक्ति हमेशा ऐसा समझेगा कि वो जो कह रहा है वही ठीक है, और वही निश्चित करेगा कि चीज़ों को कैसे करना है रिश्ते में। इस तरीके से मंगल शुक्र की युति ले आपकी पर्सनैलिटी में इस तरह की टेंडेंसी देगी। मोटे तौर पर अपनी पसंद से शादी करना यानी लव मैरिज, काम वासना का बढ़ना और रिश्तों में हावी होना, ये ही इस युति के मुख्य संकेत हैं। शुक्र की युति का फल इस बात पर भी निर्भर करेगा कि मंगल शुक्र किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, कितने डिग्री के रहे हैं, ये सब बातें देखनी चाहिए, तभी मंगल शुक्र की युति का फल आप एग्जैक्टली जान पाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये युति कर्क राशि में बनी हुई है, नीच के मंगल हैं, तो यहाँ पर मंगल इरिटेटेड है यानी कि उत्तेजित मंगल है, तो और शुक्र भी कर्क राशि में काफ़ी इमोशनल होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति रिश्तों में हिंसा कर सकता है, प्रेमी प्रेमिका पर या जीवन साथी पर हाथ उठा सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ
संकेत देती है ये युति। अगर कर्क राशि, चाहे मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, जहाँ पर मंगल काफ़ी आक्रामक व्यवहार करता है, इन राशियों में मंगल शुक्र की युति वाला जो व्यक्ति है वो असुरक्षा, इनसिक्योरिटी फील करता है, इस वजह से हिंसक हो सकता है। मंगल शुक्र की युति अगर वृष राशि, तुला राशि में हो, या बुध की राशि है, मिथुन या कन्या राशि में हो, जहाँ पर शुक्र मजबूत होता है, तो वहाँ पर शुक्र की मजबूती के कारण मंगल का रूखापन कम हो जाता है। यहाँ पर काम वासना तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही म्यूजिक, आर्ट, रचनात्मकता, ग्लैमर की तरफ झुकाव आपका ज़्यादा रहेगा। ऐसा व्यक्ति भोग विलास, आमोद प्रमोद का शौकीन होगा, कामी व प्रदर्शन करने वाला, दिखावा पसंद करने वाला भी होगा। इसके अलावा मंगल शुक्र की युति में डिग्री की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर शुक्र की डिग्री ज़्यादा है, मान लीजिए मंगल 5 डिग्री का है और शुक्र 9 डिग्री का है, तब व्यवहार में उत्तेजना व डोमिनेंस ज़्यादा रहेगी। मंगल अगर कम डिग्री का है तो हाथापाई की संभावना बढ़ती है, वायलेंस हो सकती है, ऐसा व्यक्ति वायलेंट हो सकता है। होटल मैनेजमेंट के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है। इसके विपरीत अगर शुक्र की डिग्री कम हो, मान लीजिए मंगल 9 डिग्री का है और शुक्र 5 डिग्री का है, तो यहाँ पर रिश्तों में शांति और विश्वास ज़्यादा होता है। काम वासना स्वभाव में ज़्यादा जरूर होगी, लेकिन हिंसा की संभावना बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर शुक्र मंगल की उत्तेजना के साथ मजबूती से खड़ा रहता है, सस्टेन करता है, शुक्र की डिग्री अगर कम हो तो। मंगल शुक्र की युति किस राशि में, किस नक्षत्र में, कितनी डिग्री है मंगल व शुक्र की, इनके अलावा अन्य ग्रहों का प्रभाव इस युति पर कैसा पड़ रहा है उसको भी देखना चाहिए। अगर शनि राहु केतु का प्रभाव हो इस युति पर, यानी शनि राहु केतु इस युति में शामिल हो जाएं, या मंगल व शुक्र शनि राहु केतु के नक्षत्रों में हो, शनि राहु केतु की मंगल शुक्र पर दृष्टि आ रही है, तब स्वभाव में दुष्टता और व्याभिचारिता बढ़ जाती है, चरित्रहीनता की तरफ तब ये ले जाती है युति। रिश्तों में अफवाह उड़ती है, इल्ज़ाम लग सकते हैं, तब इसके साथ छठे भाव व दसवें भाव की स्थिति भी देखनी चाहिए कि स्थिति कितनी खराब हो सकती है, रिश्ते कितने बिगड़ सकते हैं, रिश्तों से क्या आपको मिल सकता है। अगर मंगल शुक्र पर गुरु का प्रभाव हो, मान लीजिए मंगल शुक्र के साथ गुरु बैठा है या गुरु की दृष्टि आ रही है, तब परिणाम इतने बुरे नहीं होते, सकारात्मक प्रभाव होता है। गुरु अगर साथ बैठा हो, चाहे मंगल शुक्र से गुरु केंद्र में हो, तब भी बहुत नियंत्रण में रहती है स्थिति, स्थिति बिगड़ती नहीं है। यदि मंगल शुक्र की युति के अंतर्गत नक्षत्र, यानी कि मंगल या शुक्र, शुभ चंद्रमा के, गुरु के या बुध के नक्षत्रों में हो, तब भी इस युति के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। फिर भी इस युति से काम वासना तो ज़्यादा रहती ही है। क्या करना चाहिए अगर मंगल शुक्र की युति आपके जन्मांक में है? तो ऐसे बच्चों को, अगर आपको छोटी उम्र में पता लगता है ये युति है, तो बच्चों को बड़े अनुशासित ढंग से पालना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन के साथ। इसके अलावा इस युति से अगर आपके रिश्तों में परेशानी आ रही है, तो कुछ उपाय आप नोट कर सकते हैं जिन्हें करने से लाभ आपको निश्चित होगा। मंगलवार का व्रत रखें आप, हनुमान जी की उपासना करें उस दिन, नमक अदरक वगैरह का सेवन मंगलवार को छोड़ दें हमेशा के लिए। हर रोज 10 मिनट ही सही, सूर्य के सामने बैठकर आप गायत्री मंत्र जपें, इससे मन पर, वाणी पर नियंत्रण आपका बढ़ेगा। अंगूठे या इंडेक्स फिंगर में चांदी का छल्ला पहनने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा सोते समय दक्षिण सिराना रखें, बहुत ज़्यादा तला हुआ फास्ट फूड, तेज़ मिर्चों वाला भोजन ना करें, और कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करें। ये सारे उपाय दोस्तों आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना ज्योतिषीय परामर्श के, लाभ आपको निश्चित दिखाई देगा। आज के लिए बस इतना ही, राम राम।